नमस्कार, आप सुन रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष पॉडकास्ट। आज की कहानी उस मासूम की है जिसकी उम्र अभी इतनी हुई थी कि वो मर्द और औरत में फर्क कर सके। एक फैसला आया है मुंबई विशेष जिला अदालत का, जिसमें एक 6 साल की मासूम के साथ हैवानियत की सारी हदें पार करने वाले दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। फैसला आज हुआ है, लेकिन ये गुनाह आज से ठीक 5 बरस पहले हुआ था। तारीख 1 मार्च 2015, गोरेगांव मुंबई। बचपना बहुत मासूम होता है। अच्छे बुरे सही गलत की पहचान करने की समझ वक्त के साथ ही आती है। तब वो 6 साल की थी। दुकान से दूध की थैली खरीदकर घर आ रही थी कि पीछे से आ रहे ऑटो वाले ने हॉर्न बजाया। हॉर्न की तेज आवाज से पीछे मुड़ी और फिर साइड में खड़ी हो गई। ऑटो वाले ने कहा, आओ तुम्हें घर छोड़ दो। मासूम ने उसे आंखें बड़ी कर देखा। ऑटो वाले ने फिर कहा, तुम्हारे पापा ने कहा है, आओ घर छोड़ दो। पापा की दुलारी खुशी से उछल पड़ी और पापा पापा करती हुई ऑटो में बैठ गई। दरिंदे ऑटो वाले की ये चाल कामयाब रही। वो दूध की थैली लिए ऑटो में सवार होकर घर की ओर चल पड़ी। ज़्यादा दूर नहीं था उसका घर। अपना घर तो सब पहचानते हैं, बच्चे भी। मासूम ने जब महसूस किया कि घर दूर निकल गया है, वो पापा पापा करके रोने लगी। अब तक ऑटो वाले की हिम्मत बढ़ चुकी थी। उसने जोर से डांटा। ऐसी डांट उसने कभी नहीं सुनी थी। मासूम सन्न हो गई। वह हैवान उसे पास के एक सुनसान जंगल ले गया। आम तौर पर वहाँ पर कोई नहीं आता था। ऑटो को रोका और उसे गाड़ी से उतरने के लिए कहा। मासूम जोर जोर से रोने लगी। ऑटो वाले ने गाड़ी से उतार कर मासूम को बहुत बेरहमी से पीटा और फिर उस हैवानियत को अंजाम दिया जिसे शब्दों में बयां करना भी बहुत तकलीफ देह है। दरिंदगी की सारी हदें पार करने के बाद उसने मासूम को वहीं जंगल के पास वाली सड़क पर छोड़ दिया। उस वक्त उस बच्ची की हालत जो रही होगी, उसे समझने के लिए कोई अल्फाज नहीं है। मासूम वहीं सड़क पर बेहोश पड़ी रही। दरिंदा अपना ऑटो लेकर फरार हो गया। एक राहगीर थोड़ी देर बाद मोटरसाइकिल से गुजरता है। उसकी नज़र पड़ी तो हालात समझने में देर न लगी। फौरन पुलिस को खबर की और बच्ची को अस्पताल पहुंचाया गया। माँ बाप को खबर लगी तो लगा जैसे किसी ने शीशा पिघलाकर कानों में डाल दिया हो। उस चीख को बयान नहीं किया जा सकता। 4 महीने तक मासूम अस्पताल में रही, लेकिन इस बीच उसने जो हुलिया बताया उससे उस दरिंदे को पकड़ने में काफ़ी मदद मिली। बच्ची ने बताया, वो अंकल पान खाते हैं, लंबी और पतली कदकाठी के हैं, हाथ में कलावा पहना है, काली चप्पल पहना था, हिंदी बोलता है। 1 मार्च 2015 को ये घटना घटी और 10 मार्च को उसे पकड़ लिया गया। जांच शुरू हुई। ट्रैफिक सिग्नल के पास लगे सीसीटीवी फुटेज से भी काफ़ी कुछ तस्वीर साफ हुई। मामला अदालत की दहलीज पर न्याय के लिए पहुंचा तो ये तमाम बातें उस गुनाह की गवाह बनी। अब इस मामले पर जिला अदालत का फैसला आया है। यूं तो ऐसे गुनाह के लिए हर सज़ा कम है, मगर न्यायपालिका का एक विधान है और हर अपराध की एक सज़ा। दोषी शिव कुमार राणा को उम्र कैद और 50,000 रुपये का जुर्माना, ये सज़ा सुनाई गई है। ईश्वर ऐसे गुनाहगारों को नर्क में भी जगह नसीब न करे। कैसा लगा आपको हमारा ये पॉडकास्ट, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्द मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।